अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे मैकरोनी एंड चिकन ट्रायंगल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं कि मैकरोनी एंड चिकन ट्रायंगल्स को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स की जितनी बॉइल्ड मैकरोनी ली हैं, 2 कप्स के जितने हमें मैश पोटैटो चाहिए होंगे। मैंने पोटैटोस को बॉईल करने के बाद इन्हें मैश कर लिया, और 1.5 कप के जितना बॉइल्ड चिकन चाहिए होगा। चिकन को मैंने सॉल्ट, पेपर और गार्लिक डाल के प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स के लिए स्टीम करने के बाद इसको ठंडा करने पे श्रेड करके रख लिया। फ्रेश कोरिएंडर हमें चाहिए होगा 1/4 कप के जितना, फाइनली चॉप्ड। 1 एग हमें चाहिए होगा ट्रायंगल्स को कोट करने के लिए, और 3 ग्रीन चिलीज़ को लेके मैंने फाइनली चॉप कर लिया। मैं यहाँ पे पेड्रोन चिलीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह की होती हैं, इस शेप की होती हैं, बहुत ज़बरदस्त चिलीज़ हैं ये, और बहुत माइल्ड सा टेस्ट है इनका, और इस तरह के स्नैक्स में बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। इसके अलावा 1.5 टीस्पून की जितनी चिली फ्लेक्स चाहिए होंगी हमें, 1.5 टीस्पून के जितना होल क्यूमिन चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून के जितना क्रश्ड ड्राई कोरिएंडर, और 1.5 टीस्पून के जितना सॉल्ट, 1 टीस्पून के जितना जिंजर पेस्ट, और पिंच सॉल्ट और पिंच हमें चिली फ्लेक्स चाहिए होंगी एग्स में डालने के लिए। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। मैकरोनीज इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और श्रेडेड चिकन इसमें ऐड कर देते हैं, और ये मैश्ड पोटैटोस इसमें चले गए। बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेश कोरिएंडर ऐड कर देते हैं इसमें, और इसके साथ ही ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल लीजिए। ये माइल्ड हैं तो मैं 3 चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, और जिंजर पेस्ट इसमें डाल देते हैं। इसके अलावा इसमें चला जाएगा कोरिएंडर, क्रश्ड कोरिएंडर, और चिली फ्लेक्स, क्यूमिन सीड और सॉल्ट। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से आप इनको मिक्स कर लीजिए। पोटैटो यहाँ पे बाइंडिंग का काम करेगा। तो बहुत अच्छे से मैंने ये तमाम मिक्सचर मिक्स कर लिया है। मैं हाथों से इसको मिक्स कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तमाम मिक्सचर। अगर आपके पास मिंट हो तो ज़रूर डालिएगा मिंट। मिंट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं नहीं डाल रही। तो ट्रायंगल्स के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है यहाँ पे, तो बना लेते हैं इसके ट्रायंगल्स। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। थोड़ा सा मटेरियल आप अपने हाथ पे ले लीजिए, जिस साइज़ के आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो मैं इतना सा मटेरियल ले रही हूँ, अबाउट 2 टेबलस्पून के जितना, और इस तरह से पहले आप उसको राउंड कर लीजिए, और फिर अपनी थंब से और इंडेक्स फिंगर की मदद से इसको एक नोक की शेप दीजिए इस तरह से, और फिर यहाँ से टर्न करें इसको, और इसकी दूसरी नोक बनाइए इस तरह से, और फिर जो ट्रायंगल की थर्ड नोक है वो इस तरह से हम बना लेंगे, थर्ड कॉर्नर ट्रायंगल का। ये देखिए, अब आप इसको नीट कर लीजिए इस तरह से। बस इसी तरह से हम तमाम ट्रायंगल्स बना लेंगे, छोटी बड़ी जैसी आपको बनानी है बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे आप नीट करते जाइए इसको इस तरह से, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रायंगल हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। तो इसको रखते हैं और मज़ीद हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। एक और मैं बना लेती हूँ आपके सामने, और फिर मैं ऑफ द कैमरा सारी तैयार कर लूँगी ट्रायंगल्स। तो थोड़ा सा मटेरियल आप ले लीजिए इस तरह हाथ में, इसको बिल्कुल बाइंड कर लीजिए दबाते हुए, और फिर इसका एक जो कॉर्नर है उसको आपने इस तरह से शेप दे देनी है, और इस तरह से दूसरे को दे दीजिए थंब और इंडेक्स फिंगर यूज़ करते हुए, और इस तरह से ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कीजिए इस तरह से, ये देखिए
ये देखिए, तो इस तरह से आपने तमाम जो हैं ट्राइंगल्स बना लेनी है, अगर आप ट्राइंगल्स बनाना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप इसके जो भी शेप आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स को मैंने डन कर लिए। मैंने यहाँ पे इस वक्त 10 ट्राइंगल्स बनाई हैं। आप ऑलमोस्ट इस मिक्सचर से 18 to 20 ट्राइंगल्स ईजीली बना सकते हैं। तो अभी इसकी कोटिंग के लिए मिक्स कर लेते हैं एग को। तो एक एग ले लेते हैं और उसमें पिंच चिली फ्लेक्स और पिंच सॉल्ट डाल के मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से। आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ट्राइंगल्स को कुक करना स्टार्ट करते हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, शेलो फ्राई हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कटलेट्स को ऐड करना डिप करते हुए एग में। तो करते जाते हैं इसमें ऐड जितने पैन में आ जाते हैं। इस तरह से आप कुक कर लीजिए। एक और ऐड कर देती हूँ मैं इसमें सेंटर में। हीट इस वक्त मीडियम पे है पैन की। तो पलट लेते हैं, जो ट्राइंगल्स थोड़े हो गए उनको पलट लेते हैं। बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर इन पे आना चाहिए। तो इस तरह से पलटते जाते हैं हम इनको। इसको भी पलट लेते हैं। जो सबसे लास्ट में डाला था उसे सबसे लास्ट में पलटेंगे ताकि वो कुछ थोड़ा कुक हो जाए तब तक। तो देख लेते हैं इसको। चलिए, तो हीट बिल्कुल मीडियम पे रखिएगा, एकदम बहुत हाई हीट पे आपने इनको नहीं कुक करना। तो होने देते हैं इन्हें। तो चलिए चेक कर लेते हैं ट्राइंगल्स को। बहुत अच्छा सा कलर आ गया इन पर। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। तो निकाल लेते हैं इनको। ये भी आप देखिए, तो निकाल लेते हैं जो ट्राइंगल्स डन हो गई हैं उनको। तो चलिए मैं ये तमाम ट्राइंगल्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको सर्विंग प्लेटर में निकाल के आपको दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। तो तमाम मैं निकाल लेती हूँ। तो ट्राइंगल्स को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। ये मेरे पास टेबल स्पून के जितनी टोमेटो केचप है और यहाँ पे ये दिल लीव्स हैं थोड़े से। तो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा गार्निश। तो इस तरह से थोड़ी सी टोमेटो केचप हम लेंगे और ये इस तरह से डालेंगे हर ट्राइंगल के ऊपर। इस तरह से डाल दीजिए। केचप डालने के बाद ये दिल लीव्स आप इसमें रख दीजिए इस तरह से। इस तरह से उठाते जाइए और इसमें इस तरह से। तो तमाम पे मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी एंड चिकन ट्राइंगल्स को गार्निश भी कर दी है। कुछ मैंने कुकम्बर्स यूज़ किए हैं, टोमेटो केचप और दिल लीव्स। तो ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये बन के तैयार होते हैं।
तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।